हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नवीन फ्रॉम मोल टीवी। आज जो वर्कआउट करके दिखा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर रजत। इस वर्कआउट में चेस्ट और बैक दोनों की एक्सरसाइज दिखाई जाएंगी। पहली एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की है वो है फ्लैट बेंच डंबल फ्लाइज। ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है क्योंकि चेस्ट करने में ट्राइसेप्स और फ्रंट डेल्टॉइड ज़्यादा लोड ले लेते हैं, इसीलिए डायरेक्ट चेस्ट का स्टिमुलेशन कम होता है। जिन लोगों की चेस्ट वीक है उनको फ्लाइज से शुरू करना चाहिए। इट विल हेल्प यू टू ग्रो इट बेटर। सो दिस इज हाउ यू टू डू इट। इसमें आपको एल्बो स्लाइटली बेंड रखनी है और जब आप नीचे ले जाएं तो डंबल आपके शोल्डर के लेवल तक होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट एक्सटेंड इट टू मच। और ऊपर लाते समय आपको डंबल टच करने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है सिर्फ चेस्ट के लिए। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमने चूज़ की है वो है फ्लैट बेंच प्रेस। ये इसमें 90 केजी से कर रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बैक में थोड़ा आर्च होना चाहिए और आपकी नी एल्बो सॉरी आपकी बॉडी के पास होनी चाहिए, उससे आपकी शोल्डर इंजरी प्रिवेंट हो जाएगी। और 8 से 10 रेपिटेशन कीजिए जो मसल हाइपरट्रॉफी के लिए सबसे अच्छा है। ये रिस्ट बैंड यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप रिस्ट बैंड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने एक्सरसाइज चूज की थी वो थी इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपके फ्रंट डेल्टॉइड काफ़ी यूज होते हैं और इसमें आप जो वेट उठाने की कैपेसिटी है दोनों बेंचेस के मुकाबले कम रहती है, तो इसमें हम थोड़ा कम वेट यूज़ करेंगे क्योंकि रजत ना बेल्ट यूज़ कर रहे हैं और ना ही रिस्ट बैंड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको उस चीज़ की प्रैक्टिस है। तो आप कभी भी हैवी वेट लिफ्ट करें तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सपोर्ट ज़रूर यूज़ करें। देखिए जैसे रविकांत उनको हेल्प कर रहे हैं, जब लास्ट के दो रैप में सपोर्ट लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, अदरवाइज वो बेकार है। जो थर्ड एक्सरसाइज उन्होंने की है वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस, एक्चुअली इट्स फोर्थ एक्सरसाइज। इसमें वेट उठाना थोड़ा इजी रहता है कंपैरेटिवली, बिकॉज आपकी बॉडी एक ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे है, आपके शोल्डर आपके ट्राइसेप्स एक स्टेबल पोजीशन में है आपको हेल्प करने के लिए वेट उठाने के लिए, और इसमें इंजरी के चांसेस भी कम रहते हैं। देखिए थोड़ा ही हेल्प की जरूरत है, ज़्यादा हेल्प नहीं करनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये पोज कर रहे हैं और ये चिन अप करके दिखा रहे हैं। दिस इज अ बेसिक एक्सरसाइज। इफ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज देन यू विल ग्रो योर बैक योर शोल्डर वेरी फास्ट। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ये फर्स्ट एक्सरसाइज चिनअप की इन्होंने। सेकंड ये हैंडल से क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन कर रहे हैं जो आपकी लैट्स को स्टिमुलेट करता है। इसमें भी रेपिटेशन सेम आप 10 से 12 कर सकते हैं और कभी कभी आप चेंज करने के लिए यू कैन गो एज हाई एज 20 रेपिटेशन ऑल्सो। साथ में आप उनका पोज भी देख सकते हैं बैक का। बैक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल फॉर रजत। एंड दिस इज पुल ओवर्स, केबल पुल ओवर्स। ये लैट्स को स्टिमुलेट करने की आइसोलेशन टाइप मूवमेंट है जिसमें आपकी बॉडी का कोई और पार्ट यूज नहीं होता है, तो आप अपनी वर्कआउट में इसको ज़रूर डालें क्योंकि ये लैट्स को फ्लेयर करने के लिए मतलब लैट्स की विड्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पॉस्चर इंपॉर्टेंट है, इसमें नीज आपके बेंड होनी चाहिए, बैक आर्च होनी चाहिए और एल्बोस लगभग स्ट्रेट होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो इन्होंने ली है वो है वन आर्म डंबल रोज एंड ही इज़ यूजिंग 50 kgs ऑफ डम्बल। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वेट उठाइए, अदरवाइज यू कैन डैमेज योर सेल्फ। बेल्ट जरूर यूज़ करें, बेल्ट इज़ वेरी हेल्पफुल। इट क्रिएट्स अ प्रेशर विच हेल्प्स यू टू लिफ्ट मोर वेट और आपकी लोअर बैक को भी प्रोटेक्ट करती है। ये दोनों तरफ से कर रहे हैं, एक बार इससे एक बार उससे, और ये ग्रिप्स यूज़ कर रहे हैं जिसे कहते हैं वर्सा ग्रिप्स। उससे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है और वेट जल्दी नीचे नहीं जाता है, तो यू कैन आपके फोर आर्म्स और आपके बाइसेप गिव अप कर जाते हैं नॉर्मली जो हैवी लिफ्ट्स में। इसमें ऐसा नहीं होता तो आपके लैट्स पे पूरा इफेक्ट होता है। नाउ ही इज पोजिंग फॉर इट, ही इज डूइंग द बैक डबल बाइसेप पोज एंड यू कैन सी हिज लैट्स। हेलो फोक्स, विद अस इज मिस्टर रजत हु हैज जस्ट परफॉर्म्ड एक्सरसाइजेस विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सो हेलो रजत, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। We want to ask a few questions from you. Please introduce yourself first. Hello friends, this is Rajat Saini and I'm actually from Karnal. I completed my graduation from Karnal.
Right now I am studying in Gurgaon from almost 1 year, and I am studying fitness to become a personal trainer from Naveen sir. Okay Rajat, we want to know how about your experience about exercising, working out and with Mold Fitness Club. We want to know everything. I am happy to say that I feel really positive and energetic being a part of Team Mold. I have learned a lot with Naveen sir, and I am so thankful to him for educating me. I look forward to be a personal trainer and help people to achieve their fitness targets. And I suggest those who are new to fitness and want to career in it should connect Naveen sir to Mold Fitness Club. His vast knowledge, experience and scientific approach will definitely make you the best trainer. And thank you a lot, and thanks Naveen sir to everything. Thanks Rajat for giving your time. Thanks a lot. People will really appreciate that.